बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ क्लिनिकल वायरोलॉजी। तो आज से हम क्लिनिकल वायरोलॉजी की रिवीजन करने वाले हैं 11वीं से। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट वाला चैप्टर निकाल लेते हैं, सबसे ये वाला क्लिनिकल वायरोलॉजी का। तो ये वाले जो दो पेजेस हैं, ये वाला और ये वाला, ये बेस बनाएगी आपकी स्पेशल वायरोलॉजी को। मतलब आप इन्हीं दो पेजेस की अरेंजमेंट को, इन्हीं दो सफ़ों की तरतीब से आप पूरी वायरोलॉजी को पढ़ोगे। जिस तरह बैक्टीरियोलॉजी के अंदर क्लासिफिकेशन वाला टेबल था, जिसमें पूरा मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन थी, तो यहाँ भी आपको वायरस की क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर वायरस की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कवरिंग, जिनकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं एनवेलप। इसकी बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, और इनका जीनोम क्या है, डीएनए है या आरएनए है। जबकि जो बैक्टीरियाज के अंदर डीएनए और आरएनए एक ही सेल के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन वायरसेस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, या तो वो एनवेलप्ड हो गए या नॉन एनवेलप्ड नेकेड वायरस हो गए। तो पहला जो है, जो पहले जो हेडिंग बनती है वह डीएनए एनवेलप्ड वायरस। जो डीएनए एनवेलप्ड वायरस है, जो जो वायरसेस होते हैं इनके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वो कॉमन प्रॉपर्टी आपने नोट करनी है कि ये लेटेंट इन्फेक्शन काज करते हैं। लेटेंट इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है? लेटेंट इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि एक मरतबा वायरस किसी को लग गया तो वो अचानक ही हमला नहीं करेगा, बल्कि वो थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव रहेगा। और जब हमारा इम्यून सिस्टम कम हो गया या वायरसेस ने अपनी तादाद को बढ़ा दिया, इसने अपनी कॉपी बना ली, तो ये फिर एक्टिवेट होता है। मतलब पहले इसका एक एसिप्टोमेटिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है, फिर ये एसिप्टोमेटिक इन्फेक्शन सिप्टोमेटिक इन्फेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर ऐसे टाइप के इन्फेक्शन को बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। यही लेटेंट इन्फेक्शन आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर देखने को मिलता है। अब डीएनए एनवेलप्ड वायरस को या में जो पहली हेडिंग थी वो हर्पीस वायरस थी। तो हर्पीस वायरस की क्या प्रॉपर्टीज थी कि ये लेटेंट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब इसको इसके अंदर पांच आपको देखने को मिलेगी, इस फैमिली के अंदर पांच आपको मेन चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। कौन सा? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस टाइप वन और टाइप टू। जो हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप वन वायरस होता है, इसमें पेनफुल वेजिकल्स, जो दाने होते हैं, फुंसियाँ होती है, वो फेस के ऊपर देखने को मिलती है। ठीक हो गया। जो हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप टू है, इसके अंदर आपको पेनफुल वेजिकल्स जेनिटल पर देखने को मिलते हैं, जेनिटेलिया के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसके बाद वेरिसीला जोस्टर वायरस। तो वेरिसीला जोस्टर वायरस बच्चों के अंदर टिपिकली जो डिजीज कॉज करता है उसको बोलते हैं वेरिसीला सिंपल, उसको चिकन पॉक्स कहते हैं। और अगर एक किसी बच्चे को हो गया, और जब वो एज के होने, यानी जैसे अगर किसी को छः साल की उम्र में हुआ था और वो ठीक हो गया, तो जो छः साल की उम्र में जो इनिशियल इन्फेक्शन होगा उसको बोलेंगे चिकन पॉक्स या वेरिसीला। लेकिन इसके बाद जब वो रिकवर कर गया और यही इन्फेक्शन दोबारा से रीएक्टिवेट हो गया, तो उसको बोलते हैं हम जोस्टर, या इसको शिंगल्स बोलते हैं। तो अगर रिकर या रिपीट हो जाए, ठीक है, रीएक्टिवेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं जोस्टर शिंगल्स। तीसरी हमें जो कैटेगरी या तीसरा मेंबर देखने को मिलता है वो है साइटोमेगालो वायरस। चौथा है एप्स्टीन बार वायरस। पांचवा है हर्पीस या ह्यूमन हर्पीस वायरस 8। जो ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 है, ये कैंसर करवाता है, स्पेसिफिकली कैपोसी सार्कोमा। जबकि जो एप्स्टीन बार वायरस होता है, ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज करता है। साइटोमेगालो वायरस ही कॉन्जेनिटल मॉलफॉर्मेशन, ये टेराटोजन है, ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। तो दूसरी कैटेगरी आती है डीएनए एनवेलप्ड वायरस में, वो है हेपेटाइटिस वाला। तो आपने इसको याद किस तरह से करना है? आपने इसको याद रखना है एचएचपी से, ठीक है, एचएचपी, ठीक है, एचएचपी से। तो एच से हर्पीस वायरस, एच से हेपेटाइटिस बी वायरस, और पी से पॉक्स वायरस। जो हर्पीस बी हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये क्या होता है? ये डीएनए एनवेलप्ड वायरस है। लेकिन जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो आरएनए एनवेलप्ड वायरस है, ठीक है, ये आरएनए और ए बी वाला डीएनए वाला, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस कॉज करेगा, सिंपल नाम से लग रहा है, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसके बाद है पॉक्स वायरस। जो पॉक्स वायरस है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस है, और जो डिजीज कॉज करता है वो है स्मॉल पॉक्स। जो वेरिसीला जोस्टर वायरस की से होता था वो चिकन पॉक्स था, तो यहाँ से हो रहा है स्मॉल पॉक्स। लेकिन ये डिजीज खत्म हो चुके हैं पूरी यहाँ पे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि वैक्सीन हमने इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे एक ही वायरस है जो ह्यूमन में बीमारी फैलाता है, वो है मोलस्कम कॉन्टेजियोजम, नाम से लग रहा है कि ये कॉन्टेजियस है, फैल जाएगा। इसके बाद है डीएनए एनवेलप्ड वायरसेस, नॉन एनवेलप्ड नेकेड वायरसेस। तो इसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स आती है? तो इसके अंदर एग्जांपल्स आती है, अगर आप इस टेबल, आपने ये टेबल तैयार करना है, ठीक है, ये वाला टेबल, तो इस टेबल में देखो, तो हर्पीस वायरसेस हो गया। हर्पीस वायरसेस के अंदर हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप वन, टाइप टू, वेरिसीला जोस्टर वायरस, साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, ह्यूमन हर्पीस वायरस 8, हेपेटाइटिस बी वायरस और स्मॉल पॉक्स वायरस। तो ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है।
स्मॉल पॉक्स वायरस क्या करवा रहा था? पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स करवा रहा था, हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटाइटिस और हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, ह्यूमन हर्पीज वायरस ए टी ए कैपोसी सार्कोमा करवा रहा था, एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस, साइटोमेगालो वायरस कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, वायरसिला जोस्टर वायरस, वायरसिला बच्चों में चिकन पॉक्स, जोस्टर शिंगल्स होती है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, वन वाला पेनफुल वेजिकल्स ऑन फेस और टू वाला पेनफुल वेजिकल्स ऑन द जेनिटेलिया। इसके बाद नेक्स्ट है डीएनए न्यूक्लियो, इसके बाद है न्यूक्लियो नॉन इन्वेलप, ठीक है। इसके अंदर आपको एडीनो वायरस देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे इन्वेलप नहीं देखने को मिलता, बल्कि यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर न्यूक्लियर होगा, मटेरियल होगा और कैप्सेट वगैरह होगा, न्यूक्लियो कैप्सेट, ठीक है। तो यहाँ पे एडीनो वायरस होगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और पैरवो वायरस। तो यहाँ पर आपने फार्मूला याद रखना ए पी पी का, ठीक है, आपने याद रखना है ए पी पी फार्मूला। तो एडीनो वायरस, पेपिलोमा वायरस और लास्ट में होगा हमारा पैरवो वायरस, पॉक्स वायरस में आ गया था, जबकि हर्पीस वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस उसके अंदर आ गए, ठीक है। जो एडीनो वायरस है इन्होंने क्या करवाना है, इन्होंने अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करवा देना है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को बोलते हैं फरेंचाइटिस और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को बोलते हैं निमोनिया। पेपिलोमा वायरस, पेपिलोमा वायरस क्या करवाएगी, पेपिलोमा करवा देगा, पेपिलोमा जो वार्टिलियंस होती है, वार्स होते हैं फेस के ऊपर, तो उनको बोलते हैं पेपिलोमास, तो उसको हमने देख लेना है। स्किन के ऊपर और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं और कुछ सर्विकल कैंसर भी फैलाते हैं। और पैरवो वायरस, पैरवो वायरस बी नाइन वायरस, तो ये करवाते हैं स्लैप्ड चीक सिंड्रोम, स्लैप्ड जिस तरह से कितने थप्पड़ वगैरह लगा दिया है, तो हाइड्रोप्स फिटैलिस सीवियर एनीमिया, ठीक है, स्पेसिफिकली जो होता है हमारा सिकल सेल एनीमिया, तो ये करवाते हैं पर्वो वायरस। तो अगर आप इस टेबल से देखो तो आपको मिल जाएगा ये एडीनो वायरस, पेपिलोमा वायरस एंड पर्वो वायरस बी नाइनटीन। इसके बाद आयरन इनवेलप्ड वायरस, तो आयरन इनवेलप्ड वायरस के अंदर आपको कितने कैटेगरी के वायरसेस देखने को मिलते हैं, रेस्पिरेटरी वायरस, मीजल्स, मम्स, रूबेला वायरस, रेबीज वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ह्यूमन टी सेल लिम्फो ट्रॉपिक वायरस और एचआईवी। अब ये वायरसेस आगे बेस बना रही है हमारे चैप्टर्स को, मिसाल के तौर पर जो 37 चैप्टर है उसका नाम है हर्पीस वायरस, पॉक्स वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। तो ये वाले वायरस, तो हर्पीस वायरस ये वाला हर्पीस वायरस हो गया, इसके बाद पॉक्स वायरस ये वाला पॉक्स वायरस हो गया और पेपिलोमा वायरस, तो ये इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया गया। इसके बाद वो 38 चैप्टर है, 38 चैप्टर में रेस्पिरेटरी वायरसेस एक्सप्लेन किया गया। रेस्पिरेटरी वायरसेस कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको चार वायरसेस मिलेंगे, ठीक है। पहला इन्फ्लुएंजा वायरस, उम्मीद आपको नजर आ रहा होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसके साथ आपको पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस और ह्यूमन मेटानीमो वायरस, ये वाला इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, सिंसेशियल वायरस और ह्यूमन मेटानीमो वायरस। जो 39 चैप्टर है इसके अंदर आपने देखना है मीजल्स, जो चाइल्डहुड वायरसेस होते हैं इसके अंदर मीजल्स, मम्स, रूबेला वायरस, मीजल्स, मम्स, मम्स, रूबेला वायरस, पैरवो वायरस बी 19 भी देखना आपने, ठीक है। जो 40 चैप्टर है इसका, 40 चैप्टर, 40 वायरस के अंदर जो हमने पढ़ना है कि वो कौन कौन से वायरसेस जो हमारे डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिसमें रोटा वायरस आ जाएगा और नोवा वायरस, रोटा वायरस, नोवा वायरस, ठीक है, ये आपने नोरो वायरस, नोरो वायरस होता है। इसके बाद जो 41 चैप्टर के अंदर आपने हेपेटाइटिस वायरसेस देखने हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई जी, ये वायरसेस आपने देखने हैं। 42 के अंदर आपने देखना है ये वाले वायरसेस, ठीक है, ये एबोला वायरस, रेबीज वायरस, एबोला वायरस। तो ये वाले जो क्लासिफिकेशन है वायरसेस की, तो ये क्लासिफिकेशन इन्होंने जनरल वायरोलॉजी के अंदर भी एक्सप्लेन की है। जनरल वायरोलॉजी के अंदर आप देखो तो आपको मैं दिखा देता हूँ, आई थिंक यहाँ पर जेनेटिक्स और जीन थेरेपी, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंट वायरसेस। तो यहाँ पर डीएनए वायरसेस एक्सप्लेन किया गया है। डीएनए वायरसेस दो तरह के होते हैं कि जो नेकेड और इनवेलप्ड, इनवेलप्ड के अंदर पॉक्स वायरस हो गया, हर्पीस वायरस हो गया, ठीक है, और ये पेटना वायरस हो गया, जबकि नेकेड के अंदर हमने कहा था पेपिलोमा वायरस, पोलीमा वायरस। तो आपने क्लासिफिकेशन तैयार कर लेनी है, ये क्लासिफिकेशन आपकी बेस बनाएगी किसकी, ये चैप्टर्स की बेस बना देगी, ठीक हो गया। और जबकि नेकेड वायरस कौन सा, पैरवो वायरस होता है, ठीक है, पैरवो वायरस जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलता है, ठीक हो गया। तो ये था बेसिक ओवरव्यू कि आपने जो क्लिनिकल वायरोलॉजी को किस तरह से पढ़ना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ना होगा, हम प्रॉपर क्लिनिकल वायरोलॉजी स्टार्ट करेंगे, उनकी रिवीजन करेंगे, कहाँ से रिवीजन करेंगे, इसी जगह से रिवीजन करेंगे। तो आपने ये वाला टेबल नहीं छोड़ना, जो आरएनए एनवेलप्ड वायरस और डीएनए न्यूक्लियो कैप्सिड वायरस, एंटीनो वायरसेस, पोलियो वायरसेस, ठीक है, ये आपने कवर करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हर्पीस वायरस को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।